हेलो बच्चों, मैं आरके सर। आज मैं आप लोगों को अम्ल क्षारक अम्लवण के बारे में बताऊंगा जो एनसीईआरटी 10th क्लास पर बेस्ड है। इस अम्ल क्षारक अम्लवण में आज हम लोग चर्चा करेंगे अम्ल एवं क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया। करने का तात्पर्य है कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, यदि अभिक्रिया करते हैं तो क्या क्या का निर्माण होता है, इसकी चर्चा आज करेंगे। जो तुम्हारा एनसीईआरटी का क्या होता है अभ्यास प्रश्न में भी आता है, इसलिए इस चीज को आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले में हम लोग चर्चा करें कि अम्ल क्या करता है, धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, इसकी चर्चा करें। क्योंकि देखिए, अम्ल क्षारक का धातु के साथ अभिक्रिया मतलब अम्ल या क्षारक दोनों धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। मैं एक क्या बोलते हैं चित्र ड्रॉ किया हूं, इस चित्र से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से होगा, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है। एक लाइन में मैं समाप्त करूंगा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो मैं उसको बोर्ड में लिख दे रहा हूं कि अम्ल ना क्या करता है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो इसको ना यदि आप गणितीय रूप में लिखिएगा तो अम्ल, कोई भी अम्ल लेंगे, प्लस धातु अभिक्रिया करके क्या करता है, अभिक्रिया के लिए कौन सा साइन लगाते हैं, ये एरो साइन, क्या लवण प्लस क्या हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ध्यान दीजिए कि अम्ल धातु आपस में अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, ये क्लियर हो गया। तो इसी प्रकार अम्ल लेते हैं, मान लीजिए कोई भी अम्ल लेते हैं, जैसे आप चित्र में लिए हैं अम्ल लिए हैं, आप जिंक लिए हैं तो जिंक का ले लीजिए Zn प्लस ये तनु H2SO4 अम्ल में ले लिए, सब धातु में ले लिए Zn और अम्ल में, चाहे आप इसको भी पहले लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मैं लिखा हूं वैसा ही लिख देता हूं। तो क्या मतलब आपका तनु H2SO4 प्लस धातु के रूप में आप Zn ले लीजिए, तो ये ना आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्या Zn SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये एरो साइन जो ऊपर वाला है ये गैस का सिंबल है। तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या लवण एवं क्या हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये Zn SO4 मतलब जिंक सल्फेट की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, लवण है। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यदि आपका आता है अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, उसके बाद उसको लिख दीजिएगा। और आपका एग्जाम में ना आता है चित्र द्वारा निरूपण, मतलब उसको उदाहरण के द्वारा समझाइए, तो कैसे समझाइएगा, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, चित्र द्वारा निरूपण, यहाँ पर चित्र द्वारा निरूपण, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आप लोग कैसे बनाइएगा उसको। तो चित्र द्वारा निरूपण, उदाहरण द्वारा समझाइए, वहां क्वेश्चन में रहता है चित्र द्वारा निरूपण। जब चित्र द्वारा निरूपण की हम बात करें तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा जो मैं आपको दे दिया हूं। इस चित्र में आप देख रहे हैं ये स्टैंड है, ये क्या है, फ्रखनली है, ये जो लिक्विड फॉर्म में है जो जो डॉट पानी के जैसा तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये छोटा छोटा जिंक का टुकड़ा जो धातु है, जिंक का टुकड़ा डाल दिए हैं यहाँ पर। अरे अब क्या बोलते हैं, ये निकास नली है, आप ये देख रहे हैं ये टब है, टब जिसमें हाइड्रोजन गैस से भरे साबुन के बुलबुले हैं और ये मोमबत्ती है और ये जो पाइप लगा हुआ है उसको निकास नली। तो जब आप उसको बताइएगा तो डायरेक्ट इसका अलग अलग चीज को लिखना नहीं है, एकदम आप जब चित्र द्वारा निरूपण कीजिएगा तो एकदम शॉर्ट मेथड में चलिएगा, कैसे कि उपकरण को चित्र के अनुसार सजाकर
उपकरण को चित्र के अनुसार सजाकर थोड़ा सा आप यहाँ पर टाइट करने वाला डाल दीजिएगा, यहाँ पर मैंने डाला हूँ। तो उपकरण को कैसे लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उपकरण को चित्र के अनुसार सजाकर प्रखमी में तनु तनु SO4 अर्थात तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, उसमें जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं और कुछ देर छोड़ देते हैं, तो पाते हैं कि जिंक और H2SO4 आपस में अभिक्रिया करके कुछ गैस का निर्माण करते हैं, गैस के बुलबुले का निर्माण करते हैं। इस गैस के बुलबुले को निकास नली द्वारा टब में उपस्थित साबुन के बिलियन में हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो देखते हैं कि यह गैस के बुलबुले साबुन के बिलियन से खुलकर एक गैस से भरा बुलबुले निकालते हैं। इस गैस के बुलबुले के पास, ये जो साबुन का बुलबुले होता है, उस बुलबुले के पास जलती हुई मोमबत्ती या माचिस की तीली लेके जाते हैं, तो वह फट फट के आवाज के साथ जलती है। तो ये फट फट का आवाज का जो सिंबल है, यही यह निष्कर्ष में दिखाता है ये निकलने वाली गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो इस तरह से इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन खत्म। तो मैं इसको हालांकि एक बार में होना चाहिए, बार बार आप सुन सकते हैं, लेकिन फिर एकदम सिस्टमेटिक वे में बता दे रहा हूँ फिर से एक बार। उपकरण को चित्र के अनुसार सजाकर प्रखमी में तनु SO4 लेते हैं और उसमें जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं और उससे कुछ देर छोड़ देते हैं, तो हम पाते हैं कि इस दोनों आपस में अभिक्रिया करके गैस के बुलबुले छोड़ते हैं। इस गैस के बुलबुले को निकास नली की सहायता से टब में उपस्थित साबुन के बिलियन में ले जाते हैं, तो यह गैस साबुन के गैस साबुन के बिलियन से भरे क्या बोलते हैं, गैस के बुलबुले निकालते हैं, उस बुलबुले के पास मोमबत्ती या जलती हुई माचिस के तीले ले जाते हैं, तो यह फटफट के साथ जलती है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निकलने वाली गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके अम्ल करके क्या, लवण एवं हाइड्रोजन गैस का, लेकिन आप वहां बस लिखिएगा अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो ये जानकारी आपको मैं दिया, क्या अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्षारक धातु धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, चलिए हम इसका डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं हम लोग, क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तभी मैं बताया कि अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, अभी हम लोग बताएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि अम्ल धातु अम्ल नहीं क्या क्षारक, ये क्षारक क्या होता है, क्षारक और धातु एक दूसरे से कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब सेम फिगर होगा, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि बस यहाँ अम्ल लगा हुआ है वहां पर क्षारक डाल देना, सारा काम सेम का सेम होता है, इसलिए कोई परेशानी का नहीं है। उसमें आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या दे रहा है, यदि अम्ल है तो जो मैं शुरू में बताया उसको, क्षारक दिया तो मैं अभी बता रहा हूँ उसको, दोनों में बस अंतर क्या है कि देखिए वहां पर तनु SO4 में डाला था, यहाँ पर बस क्या बोलते हैं विलयन के रूप में क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड MaOH इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हूँ, बाकी बात सेम है। तो आप ध्यान रखिए कि अम्ल जब क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, सेम चीज क्या होता है कि क्षारक धातु से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। वहां पर क्या लिखे थे कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, यहाँ पर बस क्या लिखेगा कि क्या क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। उसके बाद आप क्या लिखिएगा कि यहाँ पर आप जरूर लिखेंगे, यहाँ पर क्षारक प्लस क्या डाल दीजिएगा, धातु अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। आप
याद कर रहे होंगे पिछला हमने क्या लिखा था, यहाँ पर अम्ल बाकी बात सेम टू सेम। उसके बाद मान लीजिए कोई भी क्षारक ले लेते हैं, क्षारक ले लेते हैं तो NaOH जो मैं डाला हूँ यहाँ पर देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस धातु जिंक का जिंक ही डाल दीजिए। जब ये क्या बोलते हैं जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है, इसकी थोड़ा चर्चा करें तो होता है Na2 सोडियम, ये तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या होता है हाइड्रोजन को तो क्या विस्थापित कर देगा। तो ध्यान रखिए आपका होता है Na2ZnO2 प्लस क्या हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मेन है क्या कि क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है तो इसको आप फोकस कीजिएगा। तो आप एक लाइन में कैसे लिखिएगा कि क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, जैसे जैसे में इसको डाल दीजिएगा, जैसे जैसे इसको लिखिएगा फिर इसको लिख दीजिएगा उसको, उसके बाद आप क्या लिखिएगा चित्र द्वारा निरूपण, जैसा मैंने पिछला बता दिया था यहाँ क्या लिखिएगा चित्र द्वारा निरूपण या तो उदाहरण द्वारा, क्या बोलते हैं उदाहरण में समझाने के लिए बोलता है ना, ये चित्र द्वारा क्या कर लीजिएगा आप बना लीजिएगा। तो जैसा मैं चित्र बनाया था वैसे ही आप क्या कर लीजिएगा चित्र बना लीजिएगा और थोड़ा सा इसको क्या करना है तभी जैसा डिस्कस करना है कैसे लिखिएगा मैं बता रहा हूँ आप ध्यान दीजिए चित्र द्वारा निरूपण। अब चित्र द्वारा निरूपण के बाद यही सेम फिगर, इस फिगर को याद कर लीजिएगा बहुत बार एग्जाम में भी आया है इसलिए। तो कैसे तभी जैसा एक बार मैं बता देता हूँ, उपकरण को चित्र के अनुसार सजाकर प्रणाली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का भिगल लेते हैं और उसमें जिंक के कुछ टुकड़े डालते हैं और दोनों को कुछ देर छोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों आपस में अभिक्रिया करके गैस के कुछ बुलबुले छोड़ते हैं। इस गैस के बुलबुले को निकास नली द्वारा टब में उपस्थित साबुन के बिलियन में प्रवाहित करते हैं तो यह गैस साबुन के बुलबुले के साथ बाहर निकलती है। उस बुलबुले के पास मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती या माचिस के तीले ले जाते हैं तो यह फटफट के आवाज के साथ जलती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि निकलने वाली गैस क्या है, क्या हाइड्रोजन गैस है, इतना लिख दीजिएगा। तो मैं चीज बताना चाहूंगा दोनों में सेम होता है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करे तो भी हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करे तो भी क्या होते हैं हाइड्रोजन गैस निकलता है। बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अम्ल रहेगा तो यहाँ अम्ल वाला शुरू में दिया उसको डालिएगा और क्या बोलते हैं क्षारक वाला रहेगा तो इसको, बस यहाँ पर एक लाइन आपको क्षारक वाला जोड़ देना है कि क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके इसका लवण हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे मैं डिस्क्राइब किया हूँ आप सुन लीजिएगा, डिस्क्राइब कर दीजिएगा आपका पूरा का पूरा आंसर होगा और आपका नहीं कटेगा। तो मैं उम्मीद करूँ कि यदि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और जितने भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नया वीडियो में नए दोस्त के साथ। जय हिंद।